ठीक है, आदद यानी नंबर। ये हमने कहा था कि अरबिक में तीन है, एक है वाहिद जिसे हम सिंगुलर कहते हैं, दूसरा है मुसन्ना जिसे हम ड्यूअल कहते हैं, और तीसरा है जमा जिसको हम क्या कहते हैं, प्लुरल कहते हैं। ठीक है, कोई भी लफ्ज हो उसको मुसन्ना बनाने की क्या रूल है, बहुत आसानी के साथ, जैसे कि कलम, तो उसको मुसन्ना बनाओ, कैसे बनेंगे, उसके साथ आने जोड़ दो, कलमान, ठीक है, तो मुसन्ना बन जाएंगे। ठीक है, मुस्लिम, मुसन्ना बनाने के क्या कैसे बनेगा, मुसलमान, ठीक है, आने जोड़ दो बन जाएगा। फिर जमा बनाने के क्या, जमा कैसे बनेंगे, कलम, जमा हम जानते हैं दो टाइप के हैं, एक है मुकस्सर एक है सालिम। मुकस्सर जिसका कोई रूल नहीं है, जैसे कलम, इसका जमा कैसे बनेंगे, अकलाम, इसका जमा बनेगा अकलाम। ये जमा मुकस्सर है, इसका कोई रूल नहीं है, यह हमें याद करना पड़ता है। और एक है जमा जैसे सालिम, मुस्लिमून, इसका जमा बनेगा मुस्लिमूना, ऊना साउंड के साथ, ठीक है, ऊना साउंड के साथ, मुस्लिमून मुस्लिमूना। अगर मैं कहूं मुहंदिसुन, एक इंजीनियर, दो इंजीनियर क्या होंगे, मुहंदिसान। बहुत सारे इंजीनियर्स क्या होंगे, मुहंदिसानो, मुहंदिसानी, दो इंजीनियर। अब बहुत सारे इंजीनियर सर, समझ, मुहंदिसूना, ठीक है, ऊना साउंड के साथ हम जमा करेंगे, ये एक टाइप का जमा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम फेमिनाइन को, ये था सारा आपका मस्कुलाइन, कलम भी मुजक्कर है, मुस्लिम भी मुजक्कर है, मुहंदिस भी मुजक्कर है। ठीक है, अगर हम इसके जगह कोई मुअन्नस लफ्ज लाए, मान लो ये मुस्लिम नहीं है, ये मुस्लिमतुन है, मुस्लिमतुन, इसका मुसन्ना क्या बनेगा, दो मुस्लिम औरतें, एक मुस्लिम औरत है मुस्लिमतुन, दो मुस्लिम औरतें मुस्लिमतानी, दो मुस्लिम औरतें, बहुत सारे मुस्लिम औरतें मुस्लिमातुन। हमने कहा था अलिफ्ता के साथ हो जाएगा, यहां राउंड था यहां लंबा था, मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन। ठीक है, दूसरा करते हैं मुहंदिसतुन, फीमेल इंजीनियर, दो फीमेल इंजीनियर, मुहंदी सतानी, बहुत सारे फीमेल इंजीनियर, मुहंदी सातुन। ठीक है, चलो ये था सिंगुलर और प्लुरल की बातें। अब हम इसके साथ जमीर ऐड करेंगे। ठीक है, जमीर यानी प्रोनाउंस, जैसे कि ही शी दे, ठीक है, आई उई, इनको हम इनके साथ ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। ही के लिए हमने क्या किया था, मैं अगर कहूं ही इज अ मुस्लिम तो मैं क्या कहूंगा, ही के लिए मैं कहूंगा हुआ। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कॉर्नर में, यस सर, हुआ मुस्लिम। अब देखो
या समझने वाली बात है, यह मुस्लिम मुजक्कर है या मुअन्नस? मुस्लिम ये है मेल, ठीक है, हुआ ये भी मेल, ठीक है, ये हुआ ये भी सिंगुलर, मुस्लिम ये भी सिंगुलर, दोनों सिंगुलर, ही इज अ मुस्लिम, ठीक है। अगर मैं कहूं वो दोनों मुसलमान हैं, ठीक है, दे बोथ आर मुस्लिम, वो दोनों मुसलमान हैं, तो हम मुसलमान ले आएंगे। मुस्लिम मर्द, वो दोनों मुस्लिम मर्द हैं, ठीक है, वो दोनों आदमी मुसलमान हैं, तो मुसलमान है। इसके लिए क्या हुआ होगा? हुआ तो नहीं होगा। इसके लिए हम हुमा ज़मीर फिट करेंगे, कौन सा? हुमा, हुआ था सिंगुलर के लिए, हुमा बोथ के लिए आ जाएगा, हुमा मुस्लिमाने, दे बोथ आर मुस्लिम। लेकिन ये ड्यूअल के लिए है, समझने वाली बात यह है कि ये भी ड्यूअल के लिए है, ये भी ड्यूअल के लिए है, ये भी मेल के लिए, ये भी मेल के लिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ दे वॉर आर मुस्लिम, सेकेंड वन, वन सेकेंड, हाँ मैं समझा नहीं, तो दूसरा वाला एक और एक बार समझा दीजिए। सिंगुलर के लिए हम कहेंगे हुआ, ठीक है, सिंगुलर के लिए अगर कोई सिंगुलर होगा, सिंगुलर के लिए हम कहेंगे हुआ, हुआ मुस्लिमुन, हुआ वलदुन, ही इज अ मुस्लिम, ही इज अ बॉय, हुआ वलदुन, ठीक है। अगर मेल होगा तो हुआ कहेंगे, ही इज अ स्टूडेंट, हुआ तालिबुन, ठीक है, ही इज अ मैन, हुआ रजुलुन। इसी तरह अगर हम बोथ के लिए कहेंगे दो, ठीक है, दो के लिए अगर हम कहेंगे तो हुआ जमीर नहीं लाएंगे, यह प्रोनाउन है, इसको हम नहीं लाएंगे, बल्कि उसके बजाय हुमा को लाएंगे, ठीक है, हुमा मुस्लिमान है, वो दो मुस्लिम हैं, वो दो आदमी मुसलमान हैं, हुमा रजुलान है, वो दो आदमी हैं, हुमा वलदान है, वो दो लड़के हैं, ठीक है, हुमा तालिबान है, वो दोनों स्टूडेंट्स हैं, इस तरह हम कहेंगे, हुमा के साथ फिट करेंगे, ठीक है। तो ये भी मुसन्ना हो जाएगा, ये भी मुसन्ना हो जाएगा, यानी ये भी ड्यूअल वर्शन, ये भी ड्यूअल वर्शन, ठीक है। इसी तरह अगर हम कहना चाहें दे वॉल आर मुस्लिम, दे वॉल आर मुस्लिम, तो क्या कहेंगे? हुम, यहां भी जमीर चेंज, हुम मुस्लिमूना, मूना, हुम मुस्लिमूना, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ठीक है। आपको नोटिस करने वाली बात ये है कि किसके साथ कौन सा जमीर लग रहा है, सिंगुलर के साथ हुआ, ड्यूअल के साथ हुमा, प्लूरल के साथ हुम, अगर ये मुजक्कर हो, अगर ये मेल हो तो, ठीक है। हुआ मुस्लिम, हुमा मुस्लिमाने, हुम मुस्लिमूना, ठीक है। अगर मैं इसी का फीमेल वर्शन बनाऊं, इधर मुस्लिम, सर हुम मतलब क्या होता है, फिर से बोलिए। हुम मतलब दे, हुम हुआ यानी ही, हुमा यानी बोथ, दे बोथ, दे बोथ, और हुम दे ऑल, दे ऑल, ठीक है, हुमा दे बोथ और हुम दे ऑल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूं वो एक मुस्लिम औरत है, मुस्लिम लेडी, तो हम कहेंगे शी इज अ मुस्लिम लेडी, शी इज अ मुस्लिम लेडी, तो क्या ले आएंगे उसके लिए? हिया, हिया, और यहां मुस्लिमतुन, इसको भी फेमिनिन कर दिया, इसको भी फेमिनिन कर दिया, ठीक है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है।
इसी तरह अगर मैं कहूँ वो दोनों मुस्लिम औरतें हैं, सर, वो सर, जमीन सर, जी बोर्ड देखा जा अच्छा ना, आप दिख रहे हैं इधर, हाँ सर ठीक है सर। ड्यूअल वर्शन के लिए वही हुमा जमीर ही लेंगे, हुमा इसको भी ड्यूअल कर देंगे, मुस्लिमतानी मुस्लिमतुन मुस्लिमतानी हुमा मुस्लिमतानी, दे बोथ आर मुस्लिम्स ओनली, ठीक है। इसी तरह हुम प्लुरल के लिए था, दे ऑल आर मुस्लिम फीमेल्स, दे ऑल फीमेल्स आर मुस्लिम्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हुन्ना की जमीन लाएंगे, ये थोड़ा सा अलग है, हुन्ना हुम नहीं लाएंगे, हुन्ना लाएंगे, ठीक है। इधर जिस तरह हिया हो गया शी के लिए, ठीक है, ऑल के लिए जमा के लिए मुअन्नस, उसके लिए हुन्ना हो जाएगा, हुन्ना मुस्लिमात, दे ऑल आर मुस्लिम, ठीक है। तो ये जमीर देखो, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हुआ मतलब ही, हुमा दे बोथ, हुम दे ऑल, ये तीनों मेल के लिए, हिया मतलब शी, हुमा बोथ, हुन्ना ऑल, ये तीनों फीमेल के लिए, ठीक है। हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिमा, हुमा मुस्लिमाने, हुम मुस्लिमूना, हिया मुस्लिमतुन, हुमा मुस्लिमताने, हुन्ना मुस्लिमातुन, ठीक है। इनका ट्रांसलेशन आपके दिमाग में आ रहा है, इसका क्या मीनिंग होगा, ये आपके दिमाग में तो आ रहा है। Yes, sir. चलो यहां हम दूसरे लफ्ज फिट करते हैं, मैंने मुहंदिस का लफ्ज लिया, तो क्या कहेंगे, हुआ मुहंदिस का, ही इज अ इंजीनियर, हुआ मुहंदिसुन, ही इज अ इंजीनियर, दे टू आर इंजीनियर, दे टू आर इंजीनियर, हुमा क्या हो जाएगा, मुहंदिसानी, मुहंदिसानी, गुड, दे ऑल आर इंजीनियर्स, क्या हो जाएगा, हुम मुहंदिसुना, मुहंदिसुना, गुड, शी इज अ इंजीनियर, क्या होगा, हिया मुहंदिसतुन, दे टू आर इंजीनियर्स, हुमा मुहंदिसता, तानी मुहंदिसतानी, हुन्ना दे ऑल आर इंजीनियर्स, फीमेल के लिए क्या होगा, हुन्ना मुहंदिसतुन, मुहंदिसतुन, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका लफ्ज तैयार हो गया, ठीक है। ये जो जमीर थे, ये थे सिर्फ थर्ड पर्सन, ही शी दे, अगर हम सेकंड पर्सन में बात करें तो इसी तरह क्या हो जाएगा, जमीर चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, या आपका आ जाएगा अंता, अंता अंता मुहंदिसुन, ठीक है, अंतुमा अंतुमा मुहंदिसाने, यू आर अ इंजीनियर, अंता मुहंदिसुन, अंतुमा मुहंदिसाने, यू टू आर इंजीनियर, अंतुम अंतुम मुहंदिसुना, यू ऑल आर इंजीनियर, अंति
यू आर अ इंजीनियर आंटी फीमेल के लिए आंटी फिर ड्यूएल के लिए अंतुमा और जमा के लिए अंतुन्ना अंतुन्ना ठीक है तो अंता मुहंदिस अंतुमा मुहंदिसाने अंतुम मुहंदिसून अंति मुहंदिसतुन अंतुमा मुहंदिसताने अंतुन्ना मुहंदिसातुन बस मैंने सर जमीर को चेंज किया थर्ड पर्सन से सेकंड पर्सन में लेके आया ठीक है यहाँ यू होगी इसमें किसी का कोई सवाल है अंत अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना पहले के छह जमीर और आपके छह जमीर 12 जमीर हो ठीक है और दो जमीर बाकी तो हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंत अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना मैं आगे बढ़ू किसी का कोई सवाल है इसमें ओके अब मैं आता हूं आई और उई पे आई एम अ इंजीनियर अना मुहंदिसुन अना मुहंदिसुन ठीक है वी टू इंजीनियर्स We two engineers. Nahnu Muhandisan. We all engineers. Nahnu Muhandisuna. Dono ke liye nahnu hi istemal honge. Yahan alag nahi hoga. Sirf ana Muhandisun. Singular ke liye ana. Ana Muhandisatun. I am a engineer. Female ke liye bhi ana. Nahnu नहनु अना और नहनु बस ये दोनों ही इस्तेमाल होंगे ठीक है अना मुहंदिस नहनु मुहंदिसाने व नहनु मुहंदिसूना दोनों के लिए नहनु अना मुहंदिस नहनु मुहंदिसताने नहनु मुहंदिसाता ठीक है एक के लिए अना चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो एक से जायद एक से ज्यादा हो तो उनके लिए नहनु चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल ठीक है तो आपके 14 जमीर हो गए 14 जमीर यानी जिसको हम प्रोनाउन कहेंगे प्रोनाउन हो गए अगर मैं इनको इन प्रोनाउन्स को ये आपने लिख लिया मैं इसको राफ कर दूं नो सर फिर तो टोटल जमीर हो गए अगर मैं टोटल जमीर एक साथ लिखूं टोटल जमीर एक साथ लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्न अंत अंतुमा सर जी हुमा ते मीम जबर हो ना सर हाँ जमर होगा हुमा ठीक है अंतुम अंति अंतुमा सर बोर्ड थोड़ा सा इधर ठीक और नीचे अना और नहनु अने नहनु ये आपके पूरे जमीर हो गए ठीक है हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्न अंत अंतुम अंतुम अंति अंतुम अंतुन्न अना और नहनु तो आपके पूरे जमीर हो गए सर जी हुआ और पेस पे तो सर
उन्हें हैप्पीस हाँ 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 हुआ हुआ सब पर सब तार पर गुलो तो पेस हो गए हाँ हुमा फिर हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना आना नहीं ठीक है सर बोलिए বলছি পাশে ইংলিশ গুলো লিখে দেবেন না হয় পরে যদি আবার গোলমালে ভুলেছে আচ্ছা ঠিক হ্যাঁ মানে ইয়ে করতা হুম হুয়া মতলব হি হুমা दे बोथ हुम दे ऑल अंत यू अंतुमा यू बोथ अंतुम यू ऑल अना यानी आई ठीक है इसी तरह हिया हुमा हुन्ना अंति अंतुमा अंतुन्ना नहनु शी हुमा सर बोर्ड नहीं दिख रहा उस तरफ का ठीक है इस तरफ लिख लो फिर इस तरफ कर देते हैं इस तरफ हो गया लिखना जी सर सर स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं आप कंटिन्यू कीजिए ना ओके अंति यू यू बोथ अंतुन्ना यू और नहनु यानी वी ठीक है यस सर सर राइट वाला जो है वो मेल के लिए यूज करेंगे और लेफ्ट वाला फीमेल के लिए हाँ सिर्फ इसको और इसको ये दोनों एक दूसरे के लिए यूज होगा यानी मतलब ये आना मेल फीमेल दोनों के लिए नहनु मेल फीमेल दोनों के लिए बस ये सिंगुलर और ये प्लुरल के लिए आपके पास जो नोट है वहां सर? देखेंगे जी उई नहा नु नून जो हाँ नून पेस सर नून पेस यस ओके तो ये हो गया चलो आगे चलते हैं हम किसी भी नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट कैसे बनाएंगे किसी भी नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट कैसे बनेंगे हम जानते हैं कि कोई भी नाउन हो अगर वो प्रॉपर नाउन हो किसी जगह का नाम किसी आदमी का नाम किसी फल का नाम किसी दरख्त का नाम अगर वो प्रॉपर नाउन हो तो वो डेफिनेट तो होता ही है जैसे कि अगर मैं कहूँ कपिल अगर मैं कहूँ सूरज किसी आदमी का नाम अगर मैं कहूँ रहमान किसी आदमी का नाम ठीक है तो ये सारे तो डेफिनेट होंगे ही लेकिन अगर कॉमन नाउन हो कोई
कॉमन नाउन हो तो उसको डेफिनेट करने का तरीका क्या है, उसको डेफिनेट करने का तरीका क्या है? मान लो मैन एक कॉमन नाउन है जिसका अरेबिक आता है रजुलुन, रजुलुन या फिर बॉय, ये भी कॉमन नाउन है जिसका अरेबिक आता है वलदुन, ठीक है, या फिर गर्ल, ये भी कॉमन नाउन है जिसका अरेबिक आता है बिनतुन, ठीक है। इनको हम डेफिनेट या इनडेफिनेट कैसे बनाएंगे? एक बात आपको कह दूं, अगर आखिर में तनवीन है, अगर आखिर में तनवीन है तो वो इनडेफिनेट है, ठीक है। यानी रजुलुन तो हम कहेंगे अमैन, वलदुन यानी अ बॉय, बिनतुन यानी अ गर्ल, तो ये इनडेफिनिट है। अगर आखिर में तनवीन है, अगर आखिर में तनवीन है तो वो इनडेफिनिट है, ठीक है। मैं अगर इसको डेफिनेट बनाना चाहूं तो क्या करेंगे? अगर हम इसको डेफिनेट बनाना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा? डेफिनेट बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये जो तनवीन है तनवीन को हमें ख़त्म करना होगा। तनवीन को ख़त्म कर देंगे और शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अलिफ लाम लगा देंगे, ठीक है, अल, और आखिर को स्लैब पेश देंगे, तनवीन की जगह स्लैब पेश। तो अर रजुल, अर रजुल, अल वलद, अल बिंतु, ठीक है। तो इसका मतलब तब क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बदल जाएगा और इसके शुरू में दी लग जाएगा, दी मैन, दी बॉय, दी गर्ल, तो ये इनडेफिनिट से डेफिनिट हो गया। समझ में आ गया डेफिनेट से इनडेफिनिट हम कैसे बनाते हैं, किसी चीज़ को डेफिनेट से इनडेफिनिट कैसे बनाते हैं? जब किसी एसएम के आखिर में तनबीन होता है तो वो इनडेफिनिट होता है, किसी एसएम के आखिर में अगर तनबीन हो तो वो इनडेफिनिट होता है। अगर उसी को हमने अलिफ लाम लगा दिया तो वो डेफिनेट हो जाएंगे, ठीक है। ये माना खास करता है ना सर, अलिफ लाम लगाते हैं तो। बिल्कुल, माना खास कर देता है, डेफिनेट हो जाता है तब तो माना खास हो जाता है। चल आज हम किसी दो चार हर्फ के बारे में सीखेंगे। हर्फ यानी जो आपका प्रीपोजिशन कंजंक्शन आप कह लेते हो उस बारे में। एक है नंबर वन फी, इसका मतलब होता है इन, ठीक है। इला, जिसका मतलब होता है टू, और एक होता है आला, जिसका मतलब होता है ऑन। और एक होता है मीन, जिसका मतलब होता है फ्रॉम, ठीक है। तो ये चार, जैसे अगर मैं कहूं इन द हाउस, इन द हाउस, इन यानी फी, द हाउस अलबैत, फी अलबैत यानी फिल बैत, ठीक है, फी अलबैत यानी फिल बैत। सर फिल बैत ही होगा ना सर, इला हाँ, गया, फी, पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, जेर पड़ेंगे क्योंकि ये चारों क्या है, हुरूफ जर है। इन चारों को हुरूफ जर भी बोला जाता है। ये क्या करता है, एसएम के शुरू में आता है, यानी जैसे कि ये एक एसएम है, एसएम के शुरू में आया और एसएम को क्या किया, जेर कर दिया, इसीलिए इनको हुरूफ जर भी बोला जाता है, ठीक है। फिल बैती, ठीक है, इन द हाउस। अगर मैं कहूँ इन द मॉस्क, इन द मॉस्क, मस्जिद में, तो क्या होगा, फिल मस्जिद, फिल मस्जिद, ठीक है।
अगर मैं कहूं द बॉय इन द हाउस, द बॉय इन द हाउस, तो क्या कर देंगे शुरू में? द बॉय यानी अल वलद, अल वलद फिल बैत, तो एक हमारा सेंटेंस भी हो जाएगा, अल वलद फिल बैत, द बॉय इन द हाउस, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूं द मैन इन द मस्क, अर रजुलु फिल मस्जिद, अर रजुलु फिल मस्जिद, द मैन इन द मस्क, ठीक है। समझ में आया क्या मीनिंग हो रहा है? अल वलद फिल बैत, अल वलदु फिल बैत, द बॉय इन द हाउस, अर रजुलु फिल मस्जिद, अर रजुलु फिल मस्जिद, द मैन इन द मस्क, ठीक है। कुछ सेंटेंस मैं और लिखता हूं, लास्ट वाला सेंटेंस बता दीजिए सर, क्या लिखे थे? अर रजुलु फिल मस्जिद, अर रजुलु फिल मस्जिद क्या मतलब होगा इसका? अर रजुलु द मैन फिल मस्जिद इन द मॉस्क, द मैन इज इन द मॉस्क, ठीक है। ओके सर। अगर मैं कहूं अल माउ फिल कूबी, देखो मा और कूब इन दोनों का मतलब आप जानते नहीं इसलिए मीनिंग नहीं हो पा रहा। मा मतलब वाटर, वाटर यानी पानी, कूब यानी गिलास, जो क्या होता है जिसमें हम पानी पीते हैं, ठीक है, गिलास। तो क्या हो जाएगा अल माउ फिल कूब, इसका मतलब क्या हो जाएगा? द वॉटर इज इन द वॉटर इन द, ठीक है। अगर मैं कहूं अल कहवतु फिल फिंजान, कहवा कॉफी को बोलते हैं, कॉफी जो कॉफी हम पीते हैं, हाँ कहवा कॉफी को बोलते हैं जिसको हम पीते हैं, ठीक है। फिंजान किसको बोलते हैं? फिंजान बोलते हैं केटल को, ठीक है। तो अल कहवतु फिल फिंजान क्या मतलब हो जाएगा? तो कॉफी कप, ठीक है। चलो अला लेते हैं, ऑन, अला का मतलब क्या होता है? ऑन, ठीक है। फी तो हमारा हो गया, चलो अला लेते हैं, अला का मतलब होता है ऑन, ठीक है। मैंने लिखा अल किताब, हाँ एम आर का, मैं समझ नहीं पाया सर। जैसे आप बोले ना अलमाउ फिल अलकुबी, हाँ, तो द वाटर इन द ग्लास, द वाटर इज इन द ग्लास का कंसेप्ट नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल सही, वाटर इज इन द ग्लास, इज मिडिल में आ जाएगा। ओके सर। अल किताबु अला अल मक्तबी, आपको किताब का मीनिंग पता है लेकिन मक्तब का मीनिंग नहीं पता। मक्तब मतलब होता है टेबल, ठीक है। किताब मतलब किताब, अला का मतलब क्या हो गया? ऑन, ठीक है। किताब द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, अल किताबु अलल मक्तब, द बुक इज ऑन द टेबल, अला हो गया, अला का मतलब क्या होगा? ऑन, ठीक है। अल किताब अलल मक्तब, अलल मक्तब, अल किताब अलल मक्तब, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। मैं कहूँ
अल बिंतु बिंतु अतिफलू अतिफलू अल शरीर अतिफलु अल शरीर तिफिल मतलब होता है चाइल्ड ठीक है बच्चे बच्चा चाइल्ड शरीर मतलब होता है बेड क्या मतलब हो जाएगा अतिफलु अल शरीर द चाइल्ड इज ऑन द बेड द चाइल्ड इज ऑन द बेड अल शरीर ठीक है الطير على الشجرة الطير مطلب پرندہ چڑیا ٹھیک ہے bird شجرہ مطلب tree درخت ٹھیک ہے الطير على الشجرة تو کیا میننگ ہو جائے گا the bird is a tree on the tree ٹھیک ہے सर लास्ट वाला वर्ड लिख दीजिए सर लास्ट वो जो दरख्त था अच्छा शजरा अशजरा शजरा ठीक है हो गया सर ओके चलो मेन और इला ये दोनों बाकी है ठीक है मीन मतलब फ्रॉम मैं कहा जहाबा जहाबा यानी ओइन भार्व है ठीक है ओइन गया जहाबा राशिद यानी राशिद गया जहाबा राशिद राशिद गया ठीक है कहां गया इला दहली जहाबा राशिद इला दहली राशिद दहली गया इला मतलब क्या हुआ टू राशिद वेन टू दहली ठीक है ذهب راشد الى دهلی راشد went to دهلی اسی طرح اگر میں کہوں خرج خرج مطلب لیفٹ چھوڑ دینا یا پھر نکل جا کیم آؤ ٹھیک ہے خرج راشد من الفصل من الفصل خرج راشد من الفصل راشد left from the class راشد came out from the class فصل ہوتا ہے class classroom ٹھیک ہے فصل کا meaning ہوتا ہے classroom تو خرج راشد من الفصل من اس کا معنی کیا ہو گیا from یعنی راشد came out from the class ठीक है सर फिर से खराजा का मीनिंग बताइए खराजा का मतलब होता है केम आउट केम आउट या फिर लेफ्ट दोनों मीनिंग आते हैं ठीक है जहाबा मैंने कहा खराजा खराजा हामिद खराजा हामिदुन मिनल बैत
क्या मीनिंग होगा? खराजा हामिदु मिनल बैती, खराजा निकला, हामिद कौन निकला? हामिद, हामिद निकला मिनल बैती फ्रॉम द हाउस यानी घर से, हामिद निकला घर से, निकल के कहाँ गया? ओ का मतलब अरबिक में एंड होता है, ओ ज़हबा इला असूक, सूक का मतलब होता है मार्केट, ओ ज़हबा इला सूक एंड वेंट टू द मार्केट, हामिद घर से निकला और बाजार की तरफ गया, ठीक है? Safara Hamid min biladihi, bilad होता है country, ठीक है? Bilad मतलब country, safara yusafiru क्या करना? Travel करना, to travel. To travel, क्या करना? Travel करना, safara yusafiru, ठीक है? Safara Hamid, Hamid travel min biladi from his country, bilad ka matlab country, theek hai? Min biladi from his country, Hamid travel from his country ila kaha? Ila America, kaha gaya? अच्छा, बिलाद की जगह मैं देश का नाम ही दे दूं, अल हिंद, मिनल हिंद यानी हिंदुस्तान से, ठीक है? साफरा हामिद मिनल हिंद इला अमेरिका, हामिद ट्रैवल किया कहाँ से? हिंदुस्तान से अमेरिका की तरफ. ठीक है, तो ये चार हर्फ थे, प्रीपोजिशन कहो, ये चार प्रीपोजिशन थे जिनका इस्तेमाल हमने सीख लिया. ओके, किसी का कोई सवाल है इसमें? अगर कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं. सर इसका ट्रांसलेशन बताइए तो. सर देखो, साफरा मतलब तो ट्रैवल करना, ठीक है? साफरा हामिद, हामिद ट्रैवल मिनल हिंद फ्रॉम इंडिया इला अमेरिका, टू अमेरिका, ठीक है? हामिद ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका. फिर साफरा की जगह कुछ और नहीं हो सकता सर? बिल्कुल बिल्कुल. आपका हो रहिला एक ही चीज है, रहिला सेट ऑफ, ठीक है? सफर करना, उसी के मीनिंग में. तुम ज़हबा के मीनिंग ज़हबा भी दे सकते हो, ज़हबा गया हामिद हिंदुस्तान से अमेरिका, ठीक है? या बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, एक ही लफ्ज है ऐसी कोई बात नहीं है. चलो, आप जिसके मन में जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं.
सर नूर का प्रॉपर मीनिंग क्या है सर? नूर का मीनिंग होता है लाइट, मतलब सर आग? आग नहीं, लाइट। आप किसी भी सर रोशनी, रोशनी आग से भी रोशनी फैलता है, ठीक है। अगर आप घर में बल्ब जलाओगे तो उससे भी रोशनी फैलेगा, ठीक है। तो और सर, बल्ब सर, जला रहे हैं वो तो सर, आग नहीं है ना। सर अल्लाह पाक ने सर पहले नबी का नूर बनाया या सर कलम? आपने सर पहले क्लास में बोला था, समझा नहीं सर। हाँ ये क्वेश्चन है कि अल्लाह पाक सबसे पहले किसको बनाया, नबी का नूर बनाया या फिर कलम बनाया? तो हदीस से जो हमें मिलता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कि अव्वलु मा खलकल्लाहु नूरी, अल्लाह पाक सबसे पहले जिस चीज को इजाद किया, सबसे पहले जिस चीज को बनाया वो था मेरा नूर, यानी रसूल पाक का नूर था। यानी इससे पता चलता है कि सबसे पहले अल्लाह पाक रसूल पाक के नूर बनाए, नूर बनाने के बाद अल्लाह ने कुछ और बनाने का इरादा किया। जब कुछ और बनाने का इरादा किया तो उससे पहले अल्लाह ने रेजोल्यूशन बना लिए कि मैं क्या क्या बनाऊंगा और कैसे बनाऊंगा और उसके साथ क्या होगा। उस रेजोल्यूशन को बनाने के लिए कलम को बनाया गया कि कलम तुम बनाओ ये रेजोल्यूशन, तुम बनाओ ये नोटिस, ठीक है। तो कलम ने सारे कुछ लिख डाल, समझ गए? यस सर। सर और एक था सर, सर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर का कोई कोई बोलता है सर नूर से बना है या मिट्टी से सर? हाँ ये एक बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से बना हुआ है या मिट्टी से, ठीक है सर। यस सर। तो यहाँ बात आती है दो चीज की। देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म तो आसमान से हुआ नहीं, जिस तरह आदम अलैहि सलाम का जन्म हुआ था, है ना। आसमान से आदम अलैहि सलाम को डायरेक्ट जमीन पे उतारा गया, किसी इंसान के पेट से जन्म नहीं लिया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कैसे हुआ? किसी इंसान के पेट से, ठीक है। यहाँ अल्लाह ने बताया कि मैंने इंसान को बनाया, खलकतुल इंसाना मिन तीन, मैंने इंसान को बनाया गीला मिट्टी से, गीले मिट्टी से, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था सबसे पहले गीले मिट्टी से। लेकिन उसके बाद क्या इंसान को मिट्टी से बनाया गया? नहीं, इंसान को मिट्टी से नहीं बनाया गया। सबसे पहले इंसान, सबसे पहले जिस इंसान को बनाया गया था वो मिट्टी से बनाया गया था, जो आदम थे। लेकिन उसके बाद मिट्टी से नहीं बने बल्कि इंसानी नुतफे से बने, ठीक है, ब्लड से बने। बाकी इंसान कैसे बने? ब्लड से बने। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस वजह से कहा जाता है कि इंसान मिट्टी से बना हुआ है क्योंकि पहला इंसान जो था वो मिट्टी का बना हुआ था, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान मिट्टी से बनते हैं। इसी सूरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आदम अलैहि सलाम के औलाद में से ही है। तो अगर सब इंसान के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान ही है, तो सब इंसान के लिए अगर ये बात लागू होती है तो ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी लागू होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी के हैं, ठीक है। दूसरी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा बताते हैं कि एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक चादर दिया और उस चादर को लेकर एक रस्सी बनाया, रस्सी की तरह, जैसे पका पका के रस्सी की तरह बनाते हैं उस तरह रस्सी की तरह पकाया, और मुझसे कहा कि आयशा तुम मेरे दरमियान से इस चादर को खींचो, दरमियान से इस चादर को खींचो। तो मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान से, यानी जो सीना के नीचे और पेट पेट की तरफ से, वहां से मैंने उस चादर को खींचा तो चादर जिस्म के इस पार से उस पार चले गए, ठीक है। जिस तरह अगर कोई लाइट होता है, कोई लाइट होता है, लाइट का जो फोकस किसी तरफ पड़ता है, लाइट का जो रोशनी होता है किसी तरफ पड़ता है, आप उस रोशनी के आर पार कर सकते हो कोई चीज भी। मान लो ये रोशनी अगर यहां से पड़ रहा है, तुम यहां पेन इसको आर पार कर रहे हो तो पेन आसानी से आर पार हो जाएगा,
कोई भी चीज आर पार हो जाएगा, तो हजरत आयशा सिद्दीका बताते हैं कि मैंने इस चादर को रसूल अकरम के जिस्म के इस पार से उस पार कर दिया, मान लो जैसे कि क्या हो वो एक रश्मि हो और जिसको मैंने इस पार से उस पार कर दिया, कोई रुकावट नहीं आई। इससे साबित होता है कि रसूल अकरम नूर भी थे। और वो हदीस भी है जो मैंने आपको पहले सुनाई, अव्वल मा खलकल्लाहु नूरी, ठीक है। तो ये तो रसूल सल्लम के अंदर दो ही, एक तो मिट्टी, रसूल सल्लम मिट्टी का भी बना हुआ था और रसूल सल्लम नूर भी थे, दोनों थे। मतलब सर बोथ ही, दोनों ही चलेगा, बोथ दोनों ही चलेगा। अगर आप किसी एक पर कहोगे कि रसूल सल्लम नूर ही थे मिट्टी नहीं थे, यस सर, तब भी गलत हो जाएगा, तब भी गलत होगा। अगर आप ये भी कहो रसूल सल्लम मिट्टी थे नूर नहीं थे, तब भी गलत होगा। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। सर वो आगे बोलो। अब किसी का कोई सवाल था, शुरू में कहा था कि कुछ सवाल है, बताइए सर। आज कुछ वर्ड बताइए। हाँ, वर्ड कुछ बता दूंगा इंशाल्लाह, वर्ड कुछ बता दूंगा। वो सवाल तो सुन लूं जो सवाल थे आपके मन में सर। एक जगह सर लिखा है सर, बा जबर बा, रा जबर रा और फा जबर फा, माने इस लेटर के ऊपर जबर है। और एक जगह लिखा है बा रा फा, माने मतलब कोई जबर नहीं है सर, दोनों ही उच्चारण तो सर बा रा फा है, तो इसमें फर्क क्या है सर? ये किसे बुक में लिखा हुआ है? नहीं सर, नहीं सर। तो सर, फिर सर मतलब सर ये रिप्लेस कर सकते हैं कि हम जेर जबर का रिप्लेसमेंट, जेर जबर का रिप्लेसमेंट सर? वो नहीं सर, सर एक जगह लिखा है बा रा और फा, बा रा फा लिखा हुआ है सर, तीनों का ऊपर ही जबर है सर, तो बाराफा, ठीक है। और एक जगह लिखा है सर बाराफा, इसके कोई जबर नहीं है, इसमें कोई हरकत नहीं है। यस सर, यस सर। तो इसको हम बाराफा पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मतलब सर दोनों ही सेम स्पेलिंग होगा इसका? हाँ होगा, यही यही सर पूछना। अच्छा चलो, उस दिन हम बताए थे कि आज के क्लास में हम तकदीर के मुताल्लिक कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि तकदीर है क्या चीज़, ठीक है। इंसान जब पैदा होते हैं, यानी इंसान जब माँ के कोख में आते हैं, एक बच्चा जब माँ के कोख में आते हैं, तो कुछ दिन तक वो खून रहता है, फिर एक मांस का टुकड़ा बन जाता है, फिर उसमें धीरे धीरे हड्डी आते हैं, फिर मांस लग जाते हैं, फिर वो एक लिच जैसे हैं, एक जोंक की तरह पैदा होता है, फिर वो एक इंसानी शक्ल, इंसानी ढांचे में आते हैं, फिर उसमें से जिस तरह एक बच्चे का शक्ल होता है दिया जाता है, फिर उसमें जान फूंकी जाती है, उसमें जान डाल दिया जाता है। जब फरिश्ते आते हैं उस बच्चे को जान देने के लिए, यानी रूह फूंकने के लिए, तो फरिश्ते अपने साथ कुछ और चीज भी लेके आते हैं, जैसे कि ये कितने दिन जीवित रहेगा, यानी इसका आयु कितना होगा, ठीक है। यानी एक बता लो कि ये कितना दिन जिएगा, तो इससे एक बात तो होता है इसकी जिंदगी कितनी होगी, लंबी होगी, ठीक है। ये उस वक्त तय कर दिया जाता है कि इसकी जिंदगी क्या हो। दूसरी चीज उसी के साथ जो तय कर दिया जाता है वो है कि ये कितना रिज्क का मालिक होगा, यानी इसको रिज्क कितना मिलेगा, ठीक है, वो चीज भी तय कर दिया जाता है। फिर एक चीज तय कर दिया जाता है कि ये शकी होगा या साईद होगा, यानी ये जो बच्चा ये नेकबख्त होगा या बदबख्त होगा, वो उसी के साथ तय कर दिया जाता है। यानी ये बच्चा ये नेकबख्त होगा या बदबख्त होगा, वो भी तय कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। फिर वो बच्चा जन्म लेता है और उसी के हिसाब से उसका
यानी जो तकदीर उसका बनाया गया उसी के हिसाब से वो होता है, यानी वो या तो वो उतने दिन ही जीता है जितना उसके तकदीर में लिखा हुआ है, या फिर वो उसे उतना ही रिज्क मिलता है जितना उसके तकदीर में लिखा हुआ है, और वो उसी के हिसाब से होता है, यानी वो बदबख्त हो या नेकबख्त हो उसी के हिसाब से होता है, वो अच्छा काम करता है या फिर बुरे काम करते हैं उसके तकदीर में लिखे हुए होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है एक बात कि अगर उसके तकदीर में लिखे हुए होते हैं कि वो गुनाह करेंगे तो फिर इंसान को गुनाह करने पर सजा क्यों दिया जाएगा, ये तो उसके तकदीर में ही लिखे हुए हैं कि वो गुनाह करेंगे, वो दुष्ट होगा, वो डाकू बनेगा, वो चोर बनेगा, तो फिर उसको चोरी करने के लिए सजा क्यों दिया जाएगा, उसको दूसरे के कत्ल करने के लिए सजा क्यों दिया जाएगा। समझ में आई बात, ये क्वेश्चन आप अराइज होता है यहां तकदीर के मामला में, कि तकदीर में तो लिखे दिए गए हैं कि वो साइद बनेगा या शकी बनेगा, वो बंदा नेकबख्त बनेगा या बदबख्त बनेगा, ये तो उसके तकदीर में लिखा हुआ है, तो फिर जब वो इस काम को उससे अंजाम होता है यानी वो इस काम को जब करता है तब उसको पनिशमेंट क्यों मिलता है, दुनिया में भी पनिशमेंट मिलता है और आखिरत में भी पनिशमेंट मिलेगा इस काम के लिए क्यों, ये क्वेश्चन अब अराइज होता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि देखो बात ऐसी नहीं है, कुछ चीज है जो मुकर्रर कर दिए जाते हैं, कुछ चीज है जो इंसान के बस में नहीं होता। हाँ जी बताओ। सर हमारे क्लास से हम लोग की लेफ्ट हो जाबो? हाँ हाँ ज्यादा क्लास से आप जा सकते हो। ठीक है सर। सर अभी सबका ही क्लास होगा 10 बजे से। अच्छा अच्छा तो ठीक है, हम लोगों का ही मैनेजमेंट का क्लास है। ठीक है तो इस टॉपिक में हम अगले दिन बात कर लेंगे। ओके ठीक ठीक है, कुछ वर्ड हम लिख देते हैं। आज कुछ जानवर के नाम लिख देते हैं, ठीक है, जैसे कि हसन। सर खाना पीना हंसना रोना ये सब लिखिए ना सर। खाना पीना हंसना, यस सर, ये सब रेगुलर इस्तेमाल होता है। ठीक है, भर्ब से लिखूं, जिस तरह भर्ब का इस्तेमाल होता है भर्ब से लिखूं? यस सर। ठीक है, तो एक भर्ब तो हमने आज लिखा ज़हाबा, टू गो, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूं ये मैं पास्ट टेंस में लिख रहा हूं, इसको याद रखना, पास्ट टेंस यानी वेंट, मैं यहां पास्ट का मीनिंग भी लिख वेंट, ठीक है। ज़हाबा सर, हिसानु का मीनिंग क्या था? हिसान का मीनिंग था हॉर्स। खराजा यानी सर फर फर्जन, सर बेटा बेटी दोनों में यूज होता है या सिर्फ बेटा में होता है? फर्जन जो होता है ये अरबिक का लफ्ज नहीं है। देन सर ये या तो उर्दू या फिर फारसी से लिया गया। हाँ या तो उर्दू, उर्दू में इस्तेमाल होते हैं ये लफ्ज, मुझे लगता जो है ये उर्दू का नहीं है, ये फारसी का लफ्ज है, वहां से उर्दू वालों ने अडॉप्ट किया है और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं फर्जन। तो ये से दोनों के लिए ही ना यूज होता है? हाँ फर्जन दोनों के लिए, मर्द औरत यानी बच्चे बच्ची दोनों के लिए। यस सर। अकाला एक और दाहिका क्या है? दाहिका ला लफ हसना, दाहबा खराजा अकला, अकला यानी खाना, दाहबा यानी जाना, खराजा यानी निकलना,
अकला अकला यानी खाना, दाहिका यानी हंसना, ठीक है, दाहिका यानी हंसना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और चार लफ्ज लिखते हैं। रजा यानी रिटर्न, ठीक है। जलसा यानी सिट, बैठना। और कताबा राइट, लिखना। और करा यानी रीड, पढ़ना, ठीक है। राजा रिटर्न यानी वापस आना कहीं से, जलसा बैठना, जलसा सिट, सिट का मीनिंग यानी बैठना, कतबा यानी लिखना राइट, ठीक है, कतबा लिखना, और करा पढ़ना, ठीक है। तो चलो आज हम यही क्लास खत्म करते हैं, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर।